हेलो फ्रेंड्स, आई एम इरफान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग पास में जितने भी मेरे यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल फंक्शंस एंड स्ट्रेटेजिकल फंक्शंस, आप लोगों ने इनके भरपूर तरीके से प्रैक्टिस की होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी किए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया होगा। चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन द रेंज। बेसिकली रेंज क्या है और इसको हम लोग कैसे मालूम करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले डेफिनेशन में आ जाता है द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज द रेंज, ठीक है। हम इसको आल्सो सम टाइम कॉल्ड द स्प्रेड, ठीक है जी। विच इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन आर डेटा सेट्स। डेटा सेट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, क्योंकि बेसिकली क्या एक्सेल डज नॉट हैव अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द रेंज डायरेक्टली। इंस्टेड यू फर्स्ट अप्लाई द मैक्स एंड मिनिमम फंक्शंस टू द डेटा सेट, देन व्हेन यू सी देन वेन यू हैव दीज एक्सट्रीम वैल्यूज यू कैलकुलेट द रेंज बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम फ्रॉम द मैक्सिमम। क्या है कि यहाँ पे रेंज के अंदर हमारे पास इसको मालूम करने के लिए कोई एक्सेल के अंदर प्रॉपर फार्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्स बड़ी वैल्यू को लेते हैं और उसमें से हम लोग मिनिमम वैल्यूज़ को लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है रेंज। तो रेंज को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेंज का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम इनटू, सबसे पहले हम लोग तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब स्पेस माइनस, माइनस में हम लोग लगाएंगे मिनिमम इनटू, दोबारा से हम लोग तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, हमारे पास यहाँ पे रेंज आ गई। तो रेंज को मालूम करने के लिए बहुत ही आसान और सादा सा एक फार्मूला था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने भी लोग हैं, चाहे स्टैटिक्स से रिलेटेड हैं, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग जाएं इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपको पता है, मैंने हर लेक्चर में अपनी डेटाबेस ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ये डेटाबेस में सबसे पहले क्या थे, हमारे पास डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट ए टू मेरे पास आज तक थे। इसी तरह से डिपार्टमेंट हेड्स थे, उनकी प्रोडक्शन थी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस किस लोगों ने कहाँ कहाँ पे की, और इसी तरह डिफेक्टिव्स कितने निकले, फिनिश गुड हमारे पास टोटल एंड पे कितनी कॉस्ट बची और उसकी परसेंटेज हमारे पास क्या रही। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ एक डाटा को ही लेते थे, चाहे डिफेक्टिव का ले लें, चाहे प्रोडक्शन का ले लें, चाहे किसी का भी ले लें। तो उसके ज़रिए हम अपने फार्मूलाज को मालूम करते हुए, फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए अपनी रेंज को मालूम कर सकते हैं। आप भी जाएँ इसकी प्रैक्टिस करें, कमेंट्स बॉक्स में